एक हमारा फेस होता है और ये हमारा न्यूटन है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा भी है जी सर, एम मतलब लाइन, एन का मतलब न्यूटन और ये अर्थ, ठीक है। अब ये लाइन है, लाइन हमारी कहाँ पर आती है, रेड आई है, फिर उसके बाद ये फ्यूज़ पे आती है, फ्यूज़ पे आ रही है, फिर इसको हम इधर लगा देते हैं फ्यूज़ से, इधर फ्यूज़ पे आ गई, फिर ये हमारा ब्राउन कलर की वायर पे आएगी, आ रही है ब्राउन, यस सर आ गई, ठीक है। उसके बाद ये गई यहाँ से थर्मिस्टर, थर्मिस्टर पे माइक्रोवेव के आ गई, फिर उसके बाद यहाँ से जा रही है पीसीबी पे, स्विच पे, बड़े वाले उसमें क्या होता है दो लगे होते हैं, एक लगा होता है इस पे और एक लगा होता है इस पे अवन पे, इसमें एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही दिया हुआ है, ये दोनों कंटिन्यूटी होनी चाहिए, नहीं आएगी और यहाँ पर नहीं आएगी तो ये आपको हो सकता है कम टेम्परेचर का आपने लगा दिया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा जी। तो आपको जो मैंने दिखाया था कि जिस वैल्यू का है वो उसी वैल्यू पर डालना है। अरे पलट को लोग निकालेंगे तब निकलेगा वो, ठीक है, उस पर वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये चला गया इस पे स्विच, इस स्विच पे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर भी आएगा, ये आ रहा है क्योंकि अभी डोर मेरा क्लोज है, अगर हम खोल लेते हैं कट हो गया, उसने फेस जो है काट दिया, थोड़े चालू हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा स्विच है, प्राइमरी स्विच है क्योंकि इसने ये मेरा फेस काट रहा है, यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक वायर जो है इधर जा रही है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाली वायर जरा, ठीक है, और एक जा रही होगी फैन पे, आ रही है, जब इसको खोलते हैं तो देखो फैन की भी सप्लाई कट रही है, डोर से पूरा वो है, ठीक है। किस किस की सप्लाई कटी, हीटर पे आ गई, फैन पे आ गई, एक आ रही है कट रही, तो हीटर की भी सप्लाई कट रही है, इसकी भी कट रही है, मोटर की भी कट रही है, फिर और किसकी कट रही है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का ये देखो, ये मैंने निकाल लिया दोनों कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन निकाले, इसमें से फेस कौन सा है देखो, ब्लैक कलर, इस पर नहीं आ रहा होगा, इस पर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है कट कट जाएगा, कट गया, तो ये देखो ओनली डिस्प्ले आएगा इस कंडीशन में ना, मतलब डिस्प्ले पर ऑन रहेगा, डिस्प्ले आएगा क्योंकि डिस्प्ले के लिए डायरेक्ट चली गई है, यहाँ से ही सीधी जो है वायर एक डिस्प्ले पे जा रही होगी, ये जा रही ब्लैक वाली, इसको देखो मैं बोल रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ ये डायरेक्ट आ रही है, इस मतलब डिस्प्ले वो नहीं रहेगा, डिस्प्ले सीधा 220 वोल्टेज आती है डिस्प्ले पे, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रल, न्यूट्रल मेरा कार कौन सा है, ब्लैक आ रहा है न्यूट्रल, तो पीसीबी पे फेस न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, इस पे देखो न्यूट्रल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, तो आवाज लगो रिले तो बंद कर दी, हां छोटे माउस पे इसकी भी लगी हुई रहती, हां वो बंद कर दी, तो अभी आपको मतलब वो रिले से सर न्यूट्रल मिल गया, रिले से न्यूट्रल है ना, तब वो काम कर रहा है, रिले जो है यहां पर आपकी लगी है जी जी, वो काम करेगी। अब कुछ पे देखो, आपने देखा था कि ऊपर ब्लू कलर की वायर थी, हां यहां पर अलग है, यहां पे सफेद है, फिर पीली है, लाल है, लाल है, फिर नीली, तो जरूरी नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको जो है इस पे पीसीबी पे लिखा होता है कौन सा वो है, और जब भी आपको निकालना है इसको दबा के ऐसे निकालना है, तो ज़्यादातर ऐसे क्या होता है, हम ऐसे ही फंसते हैं, आती है, तो आप इस तरीके से इसको दबा के तब जो है आपको ये निकालना है। अभी आपने निकाल लिया, अब आपको ये पता नहीं कि कौन सी रिले कहाँ किसकी है, यस, तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर जब आप पीसीबी खोलोगे जी सर, इन पे जो है तो लिखा होता है, लिखा है माइक्रो, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है वाइट, लिख रहा है वाइट WH जी सर, फिर YL लिखा हुआ है, यस सर, ठीक है, फिर BL लिखा हुआ है
ब्लू ठीक है ओएल। तो सबसे पहले आपको लगानी है वाइट, वाइट लगा दोगे, फिर आपको लगानी है येलो, येलो लगा दोगे, रेड, फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है रेड, यस सर रेड लगा देंगे, रेड वाली वायर ये पहचान है, किसी किसी पे पीसीबी पे जी सर स्टिकर लगा के रखते हैं ब्लू रेड येलो, अच्छा उससे भी अपन चार कोन मॉडल में लिखा होता है, किसी किसी में आपको ना तो लिखा हुआ मिलेगा ना ही कलर कोड मिलेगा, तो उसमें आपने कैसे ढूंढना है क्या है वो आपको अभी